प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में तुलसीदास जी के दोहे अर्थ सहित जानकारी दी जा रही है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु होर, वशीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं, मीठी वाणी बोलने से चारों ओर सुख का प्रकाश फैलता है और मीठी बोली से किसी को भी अपने ओर सम्मोहित किया जा सकता है। इसलिए सभी मनुष्यों को कठोर और तीखी वाणी छोड़कर सदैव मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। सदैव मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित यही गत समभाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मित्र जो कि आपके सामने बना बना कर मीठा बोलता है और मन ही मन आपके लिए बुराई का भाव रखता है, जिसका मन सांप के चाल के समान टेढ़ा हो, ऐसे खराब मित्र का त्याग कर देने में ही भलाई है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें भगवान पर भरोसा करते हुए बिना किसी डर के साथ निर्भय होकर रहना चाहिए और कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा, और अगर कुछ होना रहेगा तो वो होकर रहेगा। इसलिए व्यर्थ चिंता किए बिना हमें खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध लालच और सब नरक के रास्ते हैं, इसलिए हमें इनको छोड़कर ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए जैसा कि संत लोग करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर ने संसार में कर्म को महत्ता दी है, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाई, दो सम धीर धरही मन माही, धीरज धरहूं विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितकारी। तुलसीदास जी कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति दुख के समय रोते बिलकते हैं, सुख के समय अत्यधिक खुश हो जाते हैं, जबकि धैर्यवान व्यक्ति दोनों ही समय में समान रहते हैं, कठिन से कठिन समय में अपने धैर्य को नहीं खोते हैं और कठिनाई का डटकर मुकाबला करते हैं। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। तुलसी जी कहते हैं कि संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सभी से प्यार के साथ मिलना जुलना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक नौका नदी में प्यार के साथ सफर करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है, वैसे मनुष्य भी अपने इस सौम्य व्यवहार से भाव सागर के उस पार अवश्य ही
पहुंच जाएगा। इस वीडियो में तुलसी जी के दोहे और सहित के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।